अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दोहा आर्ट। आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे कि एक्सप्लोयन बॉक्स को कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बर्थडे एक्सप्लोयन बॉक्स। गाइस, ये है हमारे बॉक्स की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जब हम अपने किसी प्यारे अजीज को ये तोहफे में देंगे तो यकीनन उसको भी बहुत पसंद आएगा। गाइस, इस बॉक्स में मैंने टोटल 3 लेयर्स बनाई हैं, जिसमें से 2 लेयर्स चॉकलेट्स और 1 लेयर पिक्चर्स की है। इसकी मेकिंग में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर है। गाइस, सबसे पहले हम ले रहे हैं आर्ट कार्ड, जिसकी मेजरमेंट है 18x18 सेंटीमीटर। आफ्टर 6-6 सेंटीमीटर हमने लाइंस ड्रॉ की हुई थी। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमने कट लगाना है। कट हमने इस तरह लगाना है कि बीच की साइड को रहने देना है, मतलब 6, 12, 18 12 को रहने देना है, बोथ साइड पे जितनी भी 12 की मेजरमेंट है उसको रहने देना है और बाकी साइड्स को कट कर लें। गाइस, आप अपने माइंड में प्लस का साइन रखें, मतलब प्लस का साइन रहने देना, बाकी आपने एरियाज कट कर देने। कट करने के बाद हमने स्लाइटली से इसको फोल्ड कर दें। गाइस, इसको फोल्ड करने के बाद हमने फिर से आर्ट कार्ड का एक पीस लिया, जिसकी मेजरमेंट थी 9x9 सेंटीमीटर। उसमें हमने 1.5 पे मार्क लगाया, मतलब बीच में 6 सेंटीमीटर रह गया। 1.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से लिया स्केल की मदद से और उस पर कट लगा लिए छोटे छोटे, ताकि हम इसकी लेड बना सकें और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अब इसको फोल्ड किया। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन की स्टिक। आपके पास जो भी अवेलेबल ग्लू हो, आप उसकी मदद से इसको पेस्ट कर सकते हैं। चारों साइड्स को सेम टू सेम इसी तरह ही ग्लू की मदद से स्टिक कर लेना है, ताकि ये बॉक्स के ऊपर फिट आ सके। गाइस, आप देख सकते हैं कि बॉक्स की एक साइड जो है वो मैंने बेध्यानी में कट कर दी है, बट अब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। डू इट योरसेल्फ का मतलब असल में होता है कि जुगाड़ करना है हमने, डाई नहीं, ये जुगाड़ होगा। अब देख रहे हैं आप, जैसे ये एक कट मुझसे एक्स्ट्रा लग गया था, मतलब बेध्यानी में मैंने कट कर दिया था। मैंने अब एक छोटा सा आर्ट कार्ड का पीस लिया, उसके ऊपर ग्लू लगाई और उसको सेम उसी जगह पर लगा दिया। बजाय इसके कि मैं न्यू बॉक्स बनाती, न्यू आर्ट कार्ड कट करती, मैंने उसी को ही सही कर लिया। ये होता है बचत का तरीका। हेलो मिट्टू मिट्टू, न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसमें आप सब सीखेंगे कि बॉक्स की साइड को कैसे हमने खराब किया, उसके बाद हमने कैसे जुगाड़ू तरीके से उसको सेट करके आपके सामने एक बहुत बेहतरीन बॉक्स लाए। मिट्टू मिट्टू गाइस, आप सब मिट्टू को इग्नोर करें। अब हम आते हैं सेकंड लेयर की तरफ, जिसके लिए हमने मेजरमेंट ली है 15x15 सेंटीमीटर की। सेम प्रोसीजर, प्लस का साइन अपने माइंड में रखें और साइड के 5 सेंटीमीटर को कट करें। सेम अब देखें, मैं कट लगा रही हूँ 5 सेंटीमीटर के बाद, ताकि इसकी साइड्स को कट कर लें। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप बॉक्स को हार्ड बनाना चाहते हैं तो उसको कट करने के बजाय इसी के ऊपर फोल्ड कर लें, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी आर्ट कार्ड है जो कि हार्ड है, इसलिए मैं इसको साइड से कट कर रही हूँ। अब आपने देखा कि मैंने कट करने के बाद इसको स्लाइड से फोल्ड किया, जैसा कि हमने फर्स्ट लेयर में दिखाया। इसको फोल्ड करने के बाद अब बारी आएगी इसके लेड की। इसके लिए हमने मेजरमेंट लिया 8x8 सेंटीमीटर। उसके बाद 1.5 पे हमने लाइन्स ड्रॉ किया, दरमियान में 6.5 बचा। सेम प्रोसीजर, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको भी अगेन उसी की तरह हम पेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन, ग्लू स्टिक, स्टिको, UHU, फेविकॉल, जो भी आपके पास हो आप उसको इस्तेमाल करें और इसको पेस्ट करें। सेकेंड बॉक्स और उसका लेड हमारे पास तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी साइडों को एक दफ़ा अगेन चेक कर रही हूँ और थोड़ी सी साइड खुली हुई नज़र आई है, जिस पर मैंने अगेन थोड़ी सी ग्लू स्टिक लगा दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट थी और ये बिल्कुल फिट सेकेंड लेयर हमारे पास बन गई। अब बारी आती है थर्ड लेयर बनाने के लिए, जिसके लिए एक आर्ट कार्ड की मेजरमेंट है 12x12। इसमें 4 सेंटीमीटर के बाद हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं, मतलब 4 सेंटीमीटर, 4, 8, 12 सेंटीमीटर। इसकी साइड्स कट की, प्लस के साइन को माइंड में रखते हुए अगेन फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब अगेन हम बनाएंगे इसकी लेड। लेड बनाने के लिए हमने मेजरमेंट ली है 7x7 सेंटीमीटर और साइड्स इसकी 1.5 सेम रखी हैं। 1.5 पे कट लगाने के बाद अब मैं कर रही हूँ इसको फोल्ड। फोल्ड करने के बाद गाइस, इसको अंदर की तरफ मोल्ड कर हम लगाएंगे इसके ऊपर अगेन ग्लू स्टिक। ग्लू स्टिक लग गई है। ग्लू स्टिक लगाने के बाद इसके साइज को हमने अच्छे से अंदर की तरफ किया और अब ये हमारे पास तीसरा बॉक्स भी रेडी हो गया है गाइस।
तीनों बॉक्सेस हमारे पास रेडी हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये साइज में एक दूसरे से छोटे हैं ताकि इसके अंदर चॉकलेट्स इजीली लग जाएं और ये एक ही बॉक्स के अंदर आ जाए। वाओ मिठू मिठू कितने परफेक्ट पीस बनाए है तुमने। गाइस अब हमने एक शीट ली है जिसको अब हम इस फर्स्ट लेयर के ऊपर पेस्ट करेंगे। फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने अच्छे तरीके से स्टिको लगाई है, अब इसको बैक साइड पे मोड़ कर उस शीट के ऊपर लगा लेंगे। अच्छे तरीके से इसको हाथ की मदद से ऊपर पेस्ट करेंगे, उसके बाद सीजर या कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे। इसके साइड्स को अच्छे तरीके से कट करेंगे ताकि कुछ भी बचा हुआ हिस्सा नज़र ना आए। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सारी साइड्स कट हो गई हैं और फर्स्ट लेयर रेडी है। सेम टू सेम प्रोसीजर सेकेंड लेयर के लिए और सेम ही थर्ड लेयर के लिए। हेलो मिट्टू मिट्टू मैं फिर आ गया। देखिए आपने बिल्कुल भी बोर नहीं होना, मैं आपकी बोरियत को दूर भगाने के लिए यहाँ हूँ ना। ये बॉक्स तो बनता ही रहेगा, हम तो यहाँ बातें करने के लिए आए हैं मिट्टू। तो आप ये बताएं कि आपको तो हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं मिट्टू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। गाइस बॉक्स की तमाम लेयर्स रेडी हो चुकी हैं, अब हमने बॉक्स की लेड को रिबन के साथ कवर करना है, जिसके लिए मैंने लिया है पर्पल रिबन, वो भी हाफ इंच का रिबन इसकी साइड पे पेस्ट किया है। इसी तरह बाकी दोनों लेड पे भी सेम टू सेम पेस्ट करेंगे। अब हम बनाएंगे बो बनाने का तरीका और रेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जिसके लिए आपने जाके मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है, उसमें एक वीडियो आपको मिलेगी बो बनाने की। अब हम बना के इस बो को बॉक्स की लेड पे लगाएंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर बाकी दोनों बॉक्सेस की लेड के लिए भी होगा, उस पर भी हमने बो बना के लगानी है। लेड हो गई है हमारे पास पार्शियल रेडी, अब इसकी थोड़ी सी मेकिंग रहती है। अब देख रहे हैं आप, हमने लेयर्स को आपस में जोड़ना है। पहले मैंने स्टिक को लगाई, अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन ताकि ये अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। अब हमने इसके ऊपर बॉक्स की लेड लगा के बंद कर दी। सब बॉक्सेस को हमने इसी तरह बंद कर दिया। अब बारी आती है इनमें चॉकलेट्स लगाने की। चॉकलेट्स लगाने के लिए मैंने पहले ही इनके अंदर डबल टेप के छोटे छोटे कट्स लगाए थे और उसको पेस्ट कर लिया था। अब जैसा कि आप देखते हैं कि एक पार्ट इसमें मिस है, जो कि है बॉक्स के अंदर ये छोटा सा जो मैंने लेड साइज का एक और बॉक्स लगाया, वो सेम इसका प्रोसीजर यही है कि जो लास्ट साइज आपने बनाया था बॉक्स का, जिसकी मेजरमेंट थी 1.5, उसके बाद थी 4, फिर 1.5 आपने लेने। अब 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ साइज को फोल्ड करना है और अंदर रख देना है। मैंने वहाँ टेडी बेयर लगाया। ओ गाइस इतने में हमारी तमाम चॉकलेट्स भी लग गई हैं, जिसके लिए डबल साइडेड टेप मैंने ऑलरेडी लगाई थी। फर्स्ट लेयर पे चॉकलेट्स, सेकंड लेयर्स पर हमने पिक्स के लिए स्पेस छोड़ी है, थर्ड पर अगेन चॉकलेट्स लग गई हैं। चलें जी अब हम आ जाते हैं बॉक्स की लेड के ऊपर, जिनके ऊपर हमने प्रिंट्स लगाने हैं। ये हैं हमारे पास प्रिंट जिनको मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इनको हम बॉक्स की लेड के ऊपर लगाएंगे। हमारे पास इस टाइम 3 प्रिंट है जिसकी डिफरेंट मेजरमेंट है। इसकी मेजरमेंट मैंने अपनी मर्जी से लिए, क्योंकि मैंने इनके ऊपर फ्लावर्स भी लगाने हैं, थोड़ी सी मजीद डेकोर करेंगे। पहला प्रिंट हमने लगा लिया है इसके ऊपर। अब हम लेंगे ग्लिटर शीट ब्लैक कलर में, जिसकी हमने स्ट्रिप्स कट की हुई थी, उन स्ट्रिप्स को इसके साइड पे फोल्ड करेंगे ताकि ये मज़ीद प्यारा लग सके। अब देख रहे हैं आप, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और रेडी। इसकी चारों साइड्स को हमने कर लिया कवर। कवर करने के बाद जी अब हम आएंगे ग्लिटर फ्लावर की तरफ, जिसके लिए सिल्वर फ्लावर मैंने चूज़ किया था और उसके अलावा फोमिक फ्लावर्स लिए थे जो इसकी साइडों पर लगाए। सेम टू सेम प्रोसीजर इसके ऊपर के लिए, ऊपर भी हमने ऐसे ही फ्लावर लगा दिए। गाइस फर्स्ट लेड रेडी हो गई। अब सेकंड का प्रिंट ओनली फॉर यू था, जो कि हमने उसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद अगेन इसको भी कवर करने के लिए मैंने ग्लिटर शीट का इस्तेमाल किया। थर्ड पर भी सेम टू सेम प्रोसीजर, प्रिंट है यू आर द बेस्ट का और साइड हम कवर करेंगे फॉर्मिक शीट से। गाइस ये हमारे तीनों बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। एंड में हमने मिनी टेडी रखा है, उसके बाद चॉकलेट्स की लेयर है, फिर पिक्स की स्पेस हम छोड़े हैं, फिर उसके बाद लास्ट लेयर थी चॉकलेट्स की। मिट्टू मैं आ गया हूँ आपको बॉक्स दिखाने के लिए। तो ये हमारी फाइनल लुक है बॉक्स की, जो कि बहुत ही सुंदर है। मिट्टू तुम्हें कोई इतने प्यारे गिफ्ट क्यों नहीं देता, क्यों कोई तुमसे प्यार नहीं करता मिट्टू? अगर तुम्हें वाकई मेरा चैनल और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, फौरन से लाइक करो, कमेंट करो और तुम्हें जो भी सीखना है मुझे बताओ। टाटा बाय बाय मिट्टू, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।